जाओ जाओ जाओ, सही है भाई, सही फायदा उठा रही है भाई। लड़कियों के लिए नहीं बोल रही कि मेरे पाँव में दर्द कर रहा है तो चली गई बोल के। नमस्कार दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ अपने डेली ब्लॉग्स लेके। ये शायद मैंने हजारवीं बार बोला होगा, सॉरी गाइस। तो आज हम जा रहे हैं पटना के लिए, हम बोर्ड कर चुके हैं, जल्दी से पटना पहुंचते हैं। कल रात काफी लेट सोया था और आज बहुत जल्दी उठना पड़ा, तो एकदम नींद नींद में हूँ। आज राजगीर में कार्यक्रम है तो हम यहाँ से पटना जाएंगे, पटना में स्टे करेंगे, उसके बाद शाम में निकल जाएंगे राजगीर के लिए। करीबन 2 घंटे का रास्ता होगा, तो देखते रहिए हमारा व्लॉग, ऋषभ ठाकुर व्लॉग्स। तो दोस्तों बिल्कुल सोते सोते पटना पहुंच चुके हैं। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे मन पसंदीदा होटल में। बैकग्राउंड देख के आप समझ ही गए होंगे हम हमेशा पटना आते तो यहीं पहुंच जाते। तो अभी क्या करेंगे, बस यहाँ पे 2-3 घंटा स्टे करेंगे और थोड़ा खाना पीना खा के निकल जाएंगे राजगीर के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी होटल बुक है। तो ठीक है, तो वहीं पे हम स्टे करेंगे शाम में कार्यक्रम में, फिर शाम में कार्यक्रम करके हम वापस आ जाएंगे यहीं पे, कि कल की हमारी फ्लाइट है शाम की, तो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास में ही है। तो दोस्तों अभी पेट पूजा करेंगे, उसके बाद निकलेंगे, जस्ट निकलना है क्योंकि हमें 5 बजे तक राजगीर पहुंच जाना है, तो यहाँ से 2 घंटा लगेगा। तो अभी ऑलरेडी 1:30 बज चुके हैं, तो जल्दी से निकलेंगे और पहुंचेंगे। तो हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से राजगीर के लिए, और आज मेरा एग्ज़ाम था हिंदी का, और जो वेबसाइट था वो इंटरनल असेसमेंट था ऑनलाइन, तो वेबसाइट ना क्रैश हो रहा था। तो 2 बजे से लेकर 2:45 तक एग्ज़ाम होता है और 2:15 तक तो वेबसाइट क्रैश, और मैं गाड़ी में बैठा 2:15 में और अभी बज रहे हैं एग्जैक्ट 2:35 और इतना जल्दी जल्दी कर दिया गया एग्जाम कम्प्लीट। लेकिन फादर को हम लोग सम्मानित करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये बजे रात के 12:30 और हम लोग निकल चुके हैं राजगीर से पटना के लिए। भाई अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा है, तो हम पहुंच जाएंगे, एक सेकंड लाइट चलाता रुको। तो अभी बज रहे रात के 12:30, हम लोग निकल चुके हैं राजगीर से पटना के लिए, करीबन 2-3 घंटे में पहुंच जाएंगे पटना और बस जाके सीधा सो जाएंगे। कल पूरे दिन भर का जो भी रूटीन है वो सब पूरा फिक्स्ड है एकदम, तो बस जल्दी से पहुंचते हैं, नींद बहुत ही जारी है। और सोनी ना मैं क्या बोल रहे थे, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट किया हूँ, जाके देख लीजिएगा मेरे अकाउंट पे, अयाची ठाकुर मेरा नाम है। बाकी जो वो अब इस सीन को रखे इस सीन को ना रखे अब वो नहीं पता मुझे। रात के बज रहे हैं 2:19 और हम बस पहुंचने वाले हैं 10 मिनट में होटल। तो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं और देखो हमारे याद में 2 कुत्ता वेट कर रहा है तब से। अरे बाप रे बाप, सोचो अगर इतने सारे एक साथ सनी के ऊपर अटैक किया तो डिफरेंट नहीं आएगा बचाने के लिए, क्योंकि वो दिल्ली में है और ये पटना है। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं फाइनली पटना और बस अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है, तो मैं कुछ वीडियो नहीं बनाऊंगा, जा रहा हूँ सीधा सोने के लिए चेंज करने के बाद, और मिलते हैं आपसे सीधा कल सुबह। कल काफ़ी सारे प्लान है मॉल वगैरह जाने का और भी काफ़ी कुछ है, तो कल के ब्लॉग में बने रहिएगा।
मतलब इसी ब्लॉग में ये कंटिन्यू करेंगे हम कल भी। तो गुड नाइट गाइज, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। अभी पटना में बारिश हो रही है बहुत तेज, हम निकल रहे हैं जल्दी से। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ भाई, कंटेंट तो यही है। कंटेंट तो भाई ये नहीं बोलना, मैं यही तारीफ करी। अच्छा, आपके अलावा एक और कंटेंट है, ठीक है। और मैं, मुझे तो बोलो ही मत कुछ फिर। अच्छा हाँ, मैं सर से भी एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। सर, इतने समय से बहुत सारे, जो हम लोग को न्यूज़पेपर जब हम छोटे थे तो इसीलिए पढ़ने का मन करता था कि आज कार्टून में क्या है, और सर इतने सालों से सभी लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं अपने कार्टून्स के माध्यम से, तो क्या ऐसा हम लोग के लिए आप ऐसा सौभाग्य हो सकता है कि हम तीनों भाई बहन का एक कार्टून जैसा कोई कार्टून बन जाए? लोगों ने कार्टून बनवाना चाहता नहीं यार, बनवा दीजिए। अब दर बदल गया है, अगर कुछ बना देंगे ना एकदम बना देंगे। नंदगांव ही सब पूरा बढ़िया, मथुरा भी संगत। एक बार घर पे बैठेंगे तब सब सब गाएंगे। भाई 100 रुपए का है। अरे मेरे को भैया आके बिठाए, मेरे को ये नहीं पता है कि 100 रुपए लेगा पूरा एकदम। इसके नीचे ना गोल 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 रोल टाइप का, और यहाँ पे पूरा प्रेस कर देगा। पीछे में ये गर्दन है, इसको तो लगा दिया है, इसको हटा देंगे तो और फोर्स रहेगा। अब पीछे पूरा स्पाइन पे रोलर चलेगा ये पूरा एरिया। तो आज का पूरा दिन हमारा खादी मॉल पटना में बीता है, शानदार मॉल बना दिया है। अब निकलने का समय हो गया है एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए हमारी फ्लाइट है 7:50 की, तो हम मरीन ड्राइव वाले रास्ते से जा रहे हैं, और कितना सुंदर लग रहा है ये। ओहो, पिंक पिंक और मरीन ड्राइव भाई, क्या सुंदर लग रहा है। तो देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट। जल्दी से करते हैं चेक इन, ठीक है, और फिर चलेंगे दिल्ली, समझ रहे हो ना? ठीक है ना जी, फिर दिल्ली जाके खाना बिना खाएंगे, फिर सोना भी तो है ना जी। भाई कितना सुंदर बनाया हुआ है पेंटिंग यहां पे, और आपको खादी मॉल के सामने आपका बहुत बड़ा पोस्टर है, मेरे ऑफिस में होती है। अच्छा अच्छा, उसकी ब्रांड एंबेसडर है खादी। हां, तो हम रोज देखते हैं इनको, तो एक फोटो लेना। पहले पहले पैसे कैसी हो गई, पैसे मांग रहे फोटो लेने के? जी यार, ऐसे ऐसे दिन ऐसे करेंगे थे। तो कितने पैसे दे चाहिए? 50 रुपीस पर फोटो तो होना चाहिए, 50 रुपए तो होना चाहिए। क्या देखे थे, टी कॉफी चाय? इतनी बड़ी हो गई चाय पे। पहुंच चुके हैं गाइस,